हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। वो है पंजाबी ब्लॉगर के बारे में। तो जो पंजाबी ब्लॉगर एंड शरण है, मनिंदर एंड शरण, दोनों स्टूडेंट आए थे कनाडा में और मनिंदर जल्दी ही पीआर हो गए। तो इस साल 2020 में उन्होंने शादी कर ली शरण से। मांगट फैमिली उनका एक और चैनल है। शादी उनकी उनकी ज्वाइंट फैमिली है। तो शादी बड़ी धूमधाम से हुई क्योंकि वो कोविड से पहले हो गई थी। बहुत मज़ा आया उनके वो ब्लॉग देख के शादी वाले। तो उसके बाद ही जल्दी ही गुड न्यूज़ आ गई और वो प्रेग्नेंट हो गई। तो शरण की लाइफ पहले से ही इंटरेस्टिंग थी और दोनों की लाइफ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी बेबी के आने के बाद। फिर उन्होंने अपने बेबी का प्री बेबी शूट करवाया जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा अच्छा था। बेबी शॉपिंग की, बेबी शॉपिंग में उन्होंने कम शॉपिंग की बट बहुत ज़्यादा अच्छी थी। उनको पता था कि बेबी की जो ग्रोथ होती है बहुत जल्दी होती है। तो उसके बाद अब उनका 41 वीक था, हॉस्पिटल गए क्योंकि वाटर ब्रोक हो गया तो हॉस्पिटल तो जाना ही था। ये भी बहुत अच्छी गुड न्यूज़ थी कि बेबी के आने का टाइम हो गया। उन्होंने रूम बुक करवाया। कनाडा में हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। कोई चिंता की बात ही नहीं होती, ना खाने की ना किसी चीज़ की। सब सारा कुछ ही आपको हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है। कनाडा का जो हॉस्पिटल का स्टाफ है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। उनको ऐसे प्रिपेयर किया जाता है कि आप जब उनसे बात करते हैं तो आप सारी टेंशन भूल जाते हो, सारा दुख दर्द भूल जाते हो। तो स्टाफ बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसे नहीं है कि आपको मरीजों वाला खाना दिया जाएगा, आपको अच्छा ना लगे, जो बहुत टेस्टी खाना होता है। हॉस्पिटल विज़िट करने के बाद शरण का लेबर स्टार्ट हो गया और पेन स्टार्ट होगी। वो इतनी ज़्यादा पेन होती है कि एक आम इंसान सह नहीं पाता। बट लेडीज़ वुमेन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है भगवान ने, इसीलिए इस दिन के लिए ही। तो उनके साथ उनके हस्बैंड थे, उन्होंने पूरा उनका ध्यान रखा। बहुत अच्छा टाइम रहा। वो बेबी की हार्ट बीट बहुत अच्छी थी, शरण की हेल्थ, जो उनका बीपी वगैरह था सारा कुछ सही था। और एक क्यूट सा बेबी बॉय हुआ, तो उसके लिए दोनों को कंग्रेट्स, कंग्रेट्स बोथ ऑफ यू। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, गुड लक पेरेंटहुड के लिए। आप जैसे हस्बैंड वाइफ अच्छे हैं वैसे ही आप एक अच्छे पेरेंट्स भी बने। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।